तो कृतकासुर का वर्णन हुआ, तो कृतकासुर का वर्णन हुआ तो इसमें बताया गया है कि स्वर्गवर्धमानम तम यशु मात्रम देने देने, कि एक दिन में कितना बड़ा होता था यशु मात्रम, तो आप बाण छोड़ें, चारों तरफ से बाण छोड़ें तो बाण जितनी दूर तक जाएगा एक दिन में इतना बढ़ेगा। आप सोचिए, आप यहाँ खड़े होकर के बाण छोड़ें कम से कम 50 मीटर तक तो जाएगा, धनुष से बाण छोड़ेंगे कम से कम 50 मीटर तक जाएगा, तो 50 मीटर चारों तरफ से बढ़ेगा एक दिन में वृत्रासुर। इतना बड़ा, इसलिए वृत्रासुर कहा कि उसने सबको घेर लिया, उसका घेरा इतना बड़ा हो रहा है कि 50 मीटर चारों तरफ से वो बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा घेरा है वृत्रासुर का। और यहाँ पर विशेष बात समझने की यह है कि इंद्र ने अपने ही सगे भतीजे का वध कर दिया, विश्वरूप का, त्वष्टा उनके बड़े भाई, इंद्र के बड़े भाई त्वष्टा हैं, जबकि देवता लोग संगठित होने चाहिए और असुरों के साथ उनका जो है शत्रुता है, लेकिन यहाँ तो जो है क्या है कि अपने भाई भाई में ही शत्रुता होगी। उसका कारण क्या था कि इंद्र ने जो है अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति का अपमान कर दिया। बृहस्पति अगर होते हुए साथ में तो देवताओं में आपस में इस प्रकार का जो है ये फूट नहीं पड़ती, ये सब भेद नहीं होता, एक दूसरे से दूरी नहीं बनती, यहाँ तो आपस में ही दूरी बन गई है ना, तो बृहस्पति का अपमान कर दिया। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति का सम्मान नहीं किया इंद्र ने, और बृहस्पति चले गए, और अब जो है इंद्र के ऊपर जो है आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ आ रही हैं। पहली आपत्ति आई कि विश्वरूप जो है अपनी माता के संबंध में वो जो है असुरों के नाम से आहुति डाल रहे थे, असुरों की शक्ति बढ़ रही है, अब इंद्र ने जो है वध कर दिया विश्वरूप का, तो ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या जो है स्त्रियों में, वृक्षों में, जल में और पृथ्वी को उन्होंने जो है विभाजित कर दिया। अब जो है त्वष्टा ने जो है अब क्या सोचा कि देखो मेरे पुत्र की जो है हत्या कर दी इंद्र ने, जबकि मेरे पुत्र को अपना गुरु बनाया था, एक प्रकार से गुरु हत्या कर दी, विश्वरूप की हत्या कर दी, अपने ही गुरु की हत्या कर दी, मेरे पुत्र की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो अब त्वष्टा ने जो है ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र की हत्या करे, ऐसा पुत्र प्राप्त हो। अब वो जो है वृत्रासुर जो बड़ा हुआ है, अब ये जो है इतनी बड़ी जो है विपत्ति आ गई। अब ये विपत्ति त्वष्टा के लिए नहीं है, त्वष्टा के तो पक्ष में है वृत्रासुर, लेकिन इंद्र का जो है शत्रु है। अब इंद्र के द्वारा उसका वध होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इंद्र के लिए बहुत बड़ी जो है विपत्ति आ गई, सब देवताओं के लिए बड़ी विपत्ति आ गई, क्योंकि सब देवता इंद्र के पक्ष में है, तो सबके ऊपर विपत्ति आ गई। तो सब विपत्ति जो है आई है तो केवल एक कारण से आई है कि गुरु का जो है क्या हुआ, अवज्ञा, गुरु अवज्ञा। तो हम लोग जो है डेली बोलते हैं है ना कि जो है वैष्णवों की निंदा नहीं करना, या वैष्णवों का अपराध नहीं करना, गुरु का अपराध नहीं करना। तो ये सब जो है अगर पहले से ही हम सचेत रहें कि भाई अपराध ना हो किसी वैष्णव का और गुरु का, तो जो है हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, नहीं तो बाधाएँ बाधाएँ और संकट ही संकट आएंगे। तो एकदम संकटों की जो है एक लाइन लग गई इंद्र के सामने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक और कारण शुरुआत कहाँ से हुई कि उनका गुणगान हो रहा है इंद्र का, विद्याधर और गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गीत और संगीत चल रहा है, इंद्र का गुणगान हो रहा है, और गुरु महाराज आए। अब मैं अगर गुरु महाराज के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा जो सम्मान है वो घट जाएगा, इसलिए गुरु को जो है वो नहीं देख रहे हैं, गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और बृहस्पति समझ गए कि इंद्र की इस समय स्थिति ऐसी है कि वो सम्मान नहीं करना चाहता, और चले गए। बृहस्पति ने त्याग दिया, बृहस्पति ने इंद्र को शाप नहीं दिया, लेकिन ये जो अपराध है ये इतना भयानक है कि वो जो है इंद्र के ऊपर और सब देवताओं के ऊपर अपराध है, मतलब चलता जा रहा है, और आगे बहुत लंबी कथा है। और कथा केवल एक ही है कि आप किसी वैष्णव का सम्मान नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करते, और इसी से जो है
कितनी जो है मतलब आपत्तियों की आपकी जो है एक कहानी बन जाती है, बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। हरे कृष्ण। हरे बोल। So if there's no other questions, we'll fall down into the very soft and wonderful little seat.